मैं खालिद खान सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा शेरकोट के पीजीएम इंटर कॉलेज पे आज ये पोलिंग बूथ बनाया गया है और आप देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी पूरी भाजपा टीम मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपका जो आप कहाँ कहाँ राउंड लगाकर आ रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग नूरपुर गए। नूरपुर में जो है हम लोगों ने ताजपुर से अपने जितने भी वोटर्स थे, जो कुछ लोगों को कुछ असमंजस थी कि वोट कहाँ है कहाँ नहीं, उसको क्लैरिफाई करके वहाँ से आए। फिर हम लोग शहरा गए, शहरा का बूथ पे दोनों बूथों पे निरीक्षण करके और बड़े अच्छे से सब लोगों ने उसको, सारी पार्टी के लोगों ने इतनी मेहनत करके इतने वोट बनवाए हैं और एक एक कार्यकर्ता, कोई एक स्पेसिफिक आदमी नहीं है, एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी जी जान के साथ अपनी अपनी मोटरसाइकिलों से जा जाके और वोटरों को निकाल के और वहाँ डलवाने का कार्य कर रहा है। इतना उत्साह इस MLC चुनाव में आप खुद ये महसूस कर रहे होंगे, पहली बार इस इतने उत्साह के साथ वोट पड़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है। मैं ये समझता हूँ कि जो राय है इसमें 15 तरह की राय दी जाती है, तो आपको क्या लग रहा है पहली राय आपके लिए? राय का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ तो वोट पड़ना है, 100% BJP को वोट पड़ना है। पार्टी ने पहली बार एक प्रत्याशी उतारा है इस चुनाव में और हम सब बहुत उत्साहित हैं और हम सब इस चीज़ के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि कम से कम पहली बार हमारी पार्टी ने ये चीज़ सोची कि भाई एक ऐसा प्रत्याशी जो शिक्षकों के बारे में ऊपर जाके सदन में आवाज़ उठा सके वो भारतीय जनता पार्टी से हो, तो उसके लिए हम पार्टी हाईकमान को भी बहुत बहुत आभारी हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए। जिन लोगों ने वोट किया उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए यही संदेश है कि अभी हम लोगों ने जो भी वादे करे हैं, हम लोगों का जो ये पूरा हम लोगों ने पत्र में एक चीज़ लिख के दी है कि हमारे क्या चुनावी चीज़ें मुद्दे हैं, उस चीज़ को पूरा करने में हम कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हटेंगे। हमें हरी सिंह ढिल्लो जी पर, अपनी पार्टी पर, हमारे सारे कार्यकर्ताओं पर पूर्ण रूप से यह विश्वास है कि कहीं से कहीं तक भी हम हर समय अपने शिक्षकों के साथ खड़े हैं और पूरी तरह से हमारा सबका संरक्षण भी होगा, सबका ध्यान भी रखा जाएगा और जैसे पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उस तरीके से लेके इस पर काम किया जाएगा। जैसा आपने देखा कि भाई ने हमें बताया है कि सबका साथ सबका विकास, इसी तरीके से कार्य किया जाएगा। अब हमारे बीच में मौजूद हैं भाजपा के ही कार्यकर्ता, हम उनसे जानना चाहेंगे कामेश्वर जी से कि आपकी क्या क्या प्रक्रिया रही है इस दौरान। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपना तन मन धन से बढ़कर वोट बनवाने का काम किया है। उसके बाद कल जो पोलिंग पार्टी यहाँ पर व्यवस्था बनाई है, उसके बाद यहाँ पर जो बस्ते पर भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता सब यहाँ पर मौजूद रहे और हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनके बेटे प्रियंकर जी यहाँ पर मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। जो मंडल अध्यक्ष धर्मवीर सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, नगर महामंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, शशिकांत शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सब ज्येष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सीट 101% निकल चुकी है। मतलब जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत दिखा बता रहे हैं आप, तो मेहनत रंग लाएगी? बिल्कुल 100% रंग लेकर आएगी। जैसा आपने देखा कामेश्वर जी ने हमें बताया कि जिस तरह से एक एक कार्यकर्ता भाजपा का मेहनत कर रहा है और वो मेहनत रंग लाएगी। कैमरामैन MD शरीक के साथ खालिद खान, सैफ वर्ल्ड न्यूज़। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा शेरकोट के PGM इंटर कॉलेज पे आप देख सकते हैं जैसे कि सभी जगहों पर बस्ते लगे हुए हैं। ये भाजपा कैंडिडेट जो हैं उनका बस्ता लगा हुआ है और आप देख सकते हैं भाजपा के सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा शेरकोट के PGM इंटर कॉलेज पर मौजूद हैं आज हम और आप देख सकते हैं जैसे कि चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में अभी तक वोटिंग परसेंटेज 32 हो चुकी है, टोटल वोट 44 हैं और इसमें काफ़ी स्ट्रिक्टली वे में हमारे पुलिस प्रशासन सतर्क है। आप देख सकते हैं सभी लोग अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं और कुछ अधिकारी उधर भी बैठे हुए हैं, हम उन पे भी एक बार नज़र डालना चाहेंगे और बहुत शांतिपूर्वक इलेक्शन चल रहा है। किसी तरह का अभी तक कोई वोट की गड़बड़ी, कोई विवाद किसी तरह का कोई सामने नहीं आया है।
कैमरामैन MD शरीक के साथ खालिद खान सैफर न्यूज़।